अमेरिका और फ्रांस में एक और हलाकत खेज दिन, कोरोना के बाद जारी अमेरिका में मजीद 2482, फ्रांस में 1438 अफराद हलाक हो गए। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 1,34,000 हो गई। अमवात का सिलसिला रुक न सका, अमरीका में मजीद 2,000 से ज्यादा अफराद रुकमय अजल बन गए। अमवात की तादाद 28,000 से भी तजावुज कर गई। 29,410 नए केसेस के बाद तादाद 6,43,296 तक जा पहुंची है। ४७,982 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। फ्रांस में 24 घंटों के दौरान मजीद 1,438 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मरने वालों की तादाद 17,716 हो गई। मजीद 4,560 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 1,47,000 से ज्यादा हो गई। फ्रांसीसी तयारा बरदार जहाज में सवार 668 अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। बरतानिया में भी 761 अफराद जान की बाजी हार गए, तादाद 12,868 हो गई। इटली में मजीद 578 अमवात के बाद तादाद 10,645 हो गई। 2,667 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 1,65,155 हो गई। स्पेन में कोरोना वायरस से 557 अमवात, तादाद 18,812 हो गई। स्पेन में 557 जिंदगियां चली गई। हलाकतों की तादाद 18,812 हो गई। बेल्जियम में कोरोना से मजीद 283 और जर्मनी में 97 अफराद हलाक हो गए। ईरान में मजीद 94 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों की तादाद 4,777 हो गई। 1,512 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 76,389 हो गई। तुर्की में कोरोना से मजीद 115 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 1,518 हो गई। 4,281 केसेस रिपोर्ट होने के बाद तादाद 69,392 हो गई है।